हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। ये हरा छोली आजकल बहुत आ रहा है, इसको हमने अच्छे से धो लिया है। इसकी बनाने वाले हैं हम टेस्टी सी सब्जी। इसके लिए हमने कुकर में 2 टेबलस्पून सरसों का तेल अच्छे से गर्म कर लिया है, और ये देखिए धुआं उठने लगा था, गैस बंद है। और अब हम डाल रहे हैं इसमें जीरा 1 चम्मच, है ना। जब थोड़ा ठंडा हो जाए ना, तब हम सरसों के तेल में ही डालेंगे, नहीं तो मसाला जो है वो जल जाएगा। अब डाला है हमने थोड़ा ये हींग 2 पिंच, साथ में ही कुटा हुआ लहसुन, कटा हुआ लहसुन और अदरक। तो ये हमने डाल दिया है इसमें, धीमी गैस पे हमको इसको भूनना है। 7 कलियां लहसुन और 1 इंच अदरक हमने चॉपर में बारीक चॉप कर लिया है। ये टपरवेयर वाला छोटा चॉपर है, जिसमें हमने 2 प्याज को भी चॉप कर लिया है। तो इस टाइप से आप चॉपर में करके अच्छी सी सब्जी बना सकते हैं। अब हमने डाल दी है ये कटी हुई प्याज। लहसुन जब हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो जाए ना, तभी हमें ये प्याज को डालना है। देख रहे हैं कितना क्लियर दिख रहा है। तो ये हम प्याज भून रहे हैं। ये टमाटर को भी हमने देखिए चॉपर में बारीक चॉप कर लिया है। और हम टमाटर ले रहे हैं, टोटल 3 टमाटर है, छोटा है ये। इसमें एक हरी मिर्च भी हमने डाल ली है चॉप करने, और 3 आलू को हमने काट के पानी में डाला हुआ है। देखिए जब इतना ब्राउन हो जाए ना, तब हम इसमें डालेंगे ये टमाटर कटे हुए। इसको अच्छे से भून लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें नमक स्वाद के अनुसार। सेंधा नमक थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 3/4 टीस्पून हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, 1/4 टीस्पून गरम मसाला घर का पिसा हुआ, और आप रेड चिली ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कलर के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली। कलर अच्छा आएगा, देगी मिर्च है ये, थोड़ा सा तीखी भी है और कलर भी अच्छा आएगा। तो आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं कोई भी, अगर कश्मीरी रेड चिली है तो कश्मीरी रेड चिली डाल दीजिए। ये देखिए मसाला भुनना शुरू हो गया है। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे आलू, कटे हुए आलू और हरा चना। ये मेरी सिस्टर इन लॉ की हेल्पर है जो इस तरह से खाना बनाती है, तो मैंने कहा भाई चलो हम भी सीखते हैं। तो ये धुला हुआ हरा चना है और 2 बाउल है, तो हम सारे इकट्ठे हैं इसलिए हम ज़्यादा क्वांटिटी में सब्जी बना रहे हैं। अब इसको मिलाएंगे। और इसको ये 5 से 7 मिनट तक ना अच्छे से भूनेंगे इसी टमाटर के साथ। और ये देखिए सब्जी पकते हुए ना 10 मिनट हो गई हैं, यानी जो टेस्ट आता है ना वो इस तरीके से आता है। तो ये अब डाल रहे हैं हम इसमें पानी, और जितनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए ना उतना पानी आप इसमें डाल सकते हैं। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। कलर भी बहुत अच्छा आएगा, ये ज़्यादा क्वांटिटी है मैं कह रही हूँ आपको। अगर कम क्वांटिटी में बनाना है तो कम ले लीजिए, और आलू कम डालना है तो आलू कम डाल सकते हैं। तो हमने इतनी सारी सब्जी में ना 2 ग्लास के करीब पानी डाल दिया है। अब हम कुकर को करते हैं बंद। कुकर हमने खोल लिया है, ये देखिए कितना सुंदर कलर सब्जी का बना है, और अच्छे से सब ना गल गया है। आप देख सकते हैं आलू वगैरह सब अच्छे से गल गए हैं। बहुत गर्म है अभी, ये देखिए बिल्कुल एक ही उंगली से टूट रहा है। तो आप थोड़े से आलू इसमें ऐसे मैश कर सकते हैं, और थोड़ा सा आप खड़ा रख सकते हैं जैसा आलू है। देखने में सब्जी बहुत सुंदर है। आइए करते हैं इसकी प्लेटिंग। और ये देखिए हमारी ये यम्मी सी सब्जी बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी है, मैंने टेस्ट करके देख लिया है। और हमने कुकर में ना 3 विसल आने दी इसमें, और फिर गैस को 5 मिनट स्लो पे रखा, प्रेशर को अपने आप रिलीज होने दिया। ये मैं बताना भूल गई थी, तो मतलब सब्जी अच्छे से गल जानी चाहिए। बहुत अच्छी बनी है, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आसान भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।